Hello friends, subscribe to our channel here and press the bell icon to get all the latest videos from our channel. बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और एक्टर ऋतिक रोशन के बीच चल रही लड़ाई में अब तक लोगों के सामने सिर्फ कंगना की तरफ से सच्चाई आई है, क्योंकि कंगना ने ऋतिक के साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू में खुलकर बात की थी। इसके बाद कई लोगों के सामने सच्चाई आई, लेकिन अब तक ऋतिक की तरफ से इसके मामले कुछ भी नहीं कहा गया। हालांकि ऋतिक रोशन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बहुत सारी बातें बताई। ऋतिक ने अपने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने काफ़ी खुलकर लिखा। अपनी पोस्ट में ऋतिक ने लिखा कि मेरे पासपोर्ट में जनवरी 2014 में भारत से बाहर जाने की कोई डिटेल नहीं है। इस महीने को लेकर कहा गया था कि पेरिस में कथित तौर पर मैंने सगाई की। आगे ऋतिक ने लिखा, इस कथित रिश्ते का सिर्फ एक ही सबूत है, एक फोटोशॉप किया गया तस्वीर। मेरे पास 3000 से ज़्यादा एक तरफा मेल है, जिन्हें या तो मैंने खुद भेजा है या किसी महिला द्वारा भेजा गया है। साइबर सेल इस कहानी की सच्चाई कभी भी सामने ला सकती है। ऋतिक ने आगे लिखा, इसलिए मैंने मेरी सारी डिवाइस जैसे लैपटॉप और फोन शामिल है उसको मैंने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जमा कर दिया है, लेकिन दूसरी पार्टी यानी कंगना की तरफ से ये सारी चीज़ें देने से इनकार कर दिया गया है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हुआ है। इसके बाद ऋतिक ने लिखा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में गुस्से को ज़्यादा जगह नहीं दी है। इतना ही नहीं, मेरी आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई, यहाँ तक कि मेरे तलाक के वक्त भी मेरी लड़ाई नहीं हुई थी। मैं और मेरे आसपास के लोग हमेशा शांति पसंद करते हैं। हालांकि ऋतिक ने अपने पोस्ट में और भी बहुत सारी बातें लिखी। बता दें, हाल ही में कंगना और ऋतिक के बीच लड़ाई पर ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने भी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हमें किसी पर फालतू का कोई आरोप नहीं लगाना है, हमें अपनी शिकायत सारे सबूत के साथ जमा कर दी है। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो आप महेश जेठमलानी के ऑफिस में जाकर ले सकते हैं।